हेलो एवरीवन, आज मैं बताना चाहता हूँ कि आखिर 1% से कम लोग ही दुनिया में सफल हो पाते हैं। आखिर क्या कारण है? ये असफलता और सफलता के बीच इतनी खाई क्यों है? तो जब हम विश्लेषण करते हैं तो पता चलता है कि इसमें नीयत का बहुत बड़ा रोल है, इंटेंशन का बहुत बड़ा रोल है। बहुत सारे विद्यार्थी से हमने पूछा कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, तो सबने अपनी राय बताई। ज़्यादातर लोग 50% स्टूडेंट्स कहते हैं IAS PCS क्वालिफाई करेंगे एक क्लासरूम में, और 80% स्टूडेंट कुछ न कुछ ज़रूर कहते हैं कि वो क्वालिफाई करेंगे कंपटीशन में। लेकिन अगर हम सक्सेस रेशियो देखते हैं तो 1 or 2% के करीब ही सक्सेस रेशियो होता है। तो उसकी वजह क्या है? तो उसकी वजह यह है कि इंटेंशन का आपके एक्शन पे बहुत ज़्यादा निर्भरता है। आपका नियत जैसा होता है वैसा ही आप एक्शन करते हैं। इस बारे में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी कथन है, इन नमल आमालो बिन्नियात, हर एक एक्शन का दारोमदार नियत पे है। एवरी एक्शन इज ड्राइव फ्रॉम इंटेंशन। आप जैसा सोचेंगे वैसा ही आप करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतने लोग कहते हैं कि हम कामयाब होंगे, लेकिन वो दिल से नहीं कहते, वो वैसा वो इंटेंशनली नहीं कहते, बल्कि वो ओरली कहते हैं, मन में उनके नहीं होता। अगर जिस आदमी ने ठान लिया, जिसने नियत कर लिया कि मुझे ये काम करना है, तो वो अपनी जान लगा देगा, हर चीज़ कुर्बान कर देगा, हर कीमत पे उस लक्ष्य तक उसको वो पाना है, वो प्राप्त करना है। ऐसा हमने बहुत सारे लोगों को पाया है। ऐसा सबसे बड़ा उदाहरण डॉक्टर अब्दुल कलाम है, और हर फील्ड में है। सचिन तेंदुलकर को आप देख लीजिए, शाहरुख खान को देख लीजिए, अमिताभ बच्चन को देख लीजिए, जिस फील्ड में भी आप देखिए, वो उन लोगों ने जो ठान लिया, जो सोच लिया, जैसी नियत की वैसा प्राप्त किया। तो फर्क है, जो खाई है कामयाबी और अकामयाबी की, असफलता की, नाकामयाबी की, वो फर्क है नियत का। नियत अगर आपकी दुरुस्त हो जाए कि मुझे सही में करना है इस काम को, तो यकीन मानिए आपका पूरा जिस्म उस काम के लिए लग जाएगा। आपको सोने में भी मन नहीं लगेगा, आप सोएंगे और खुद ब खुद स्पॉन्टेनियसली उठ जाएंगे कि मुझे तैयारी करनी है। तो सबसे अहम बात यह है कि आपको नियत को दुरुस्त करना है और इसके अकॉर्डिंग चलना है। आप अपने दिल से पूछें कि सचमुच में आप कुछ बनना चाहते हैं तो आखिर क्यों नहीं बने, वजह क्या है? तो आप ये पाएंगे कि नियत आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, जो आपके सफलता और असफलता के बीच में खाई बना रहा है। तो आप जल्द ही अपने नियत को सुधारें, अपने इंटेंशन को दुरुस्त करें कि रियली आप बनना चाहते हैं या नहीं, ये आप अपने दिल को टटोलें, और उससे आपको पता चल जाएगा। आप जिस काम को करना चाहेंगे, यकीन मानिए, जिस काम में आपका इंटरेस्ट है, अगर आपका इंटरेस्ट पेंटिंग में है, अगर आपका इंटरेस्ट स्विमिंग में है, अगर आपका इंटरेस्ट जिम में है, तो किसी भी कीमत पे आप वहाँ ज़रूर पहुँचते हैं, आप उस काम को ज़रूर करते हैं। तो एक बार आप अपने बारे में सोचिए कि आपका इंटेंशन क्या है, और अपने इंटेंशन को दुरुस्त कीजिए। थैंक यू।